ट्राफी का नंबर आइए ना, इतना पूछना है। चलिए चलिए सर। ये टेम्पो वाला कहीं कहीं नहीं हिला, ये ध्यान दीजिए, ये टेम्पो वाला कहीं नहीं हिला है। पीछे वाला भी आ रहा है, टेम्पो में नहीं, बाइक में, कोई भी टेम्पो से नहीं आया, सब पैदल आया। सब जूता मोजा सब है, मास्क टोपी लाइट है शंभू। जैसा हाथ नहीं लाइए रूमने बस कैमरा खुना बता सकते हैं भैया, थोड़ा सा मोबाइल आप नीचे अच्छा था। गेट लॉक किया पहले? नहीं, कुछ नॉक नहीं, गेट खुला हुआ था, गेट बंद था। अच्छा, मतलब इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये ऊपर हमेशा जाने से पहले कपड़ा लाती है नीचे, कपड़ा लाई नीचे और जाके गेट खोली जाने के लिए। इनका गेट लॉक किया कैसे खोली है? ये जाने के लिए खोली थी, हम दिल्ली जाते हैं घर उस टाइम, वही जाना 5:30 बजे जी, ये जाती 5:30 बजे के पास जाता है वो बहुत कभी होता है। और हम गेट खोले जैसे उनको धक्का मार के अंदर कर दिए, अंदर करने के बाद उनको सामान सटा दिए, सामान सटा दिए, हमको वहाँ बैठा दिए। पहले हमको पूछे कि इसके सामान कहाँ है, इसके जेवरात कहाँ है, बोले बाबू हमसे बड़ लग के हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो दाए हैं, हमको क्या पता है। तो उसको सटेवे किए थे उसी से जो यही थे वही चीज नहीं समझ आ रही, जैसे बिना नॉक खोले ना वो लोग अंदर आ गए, नहीं पता आप जैसे गेट खोले वो लोग अंदर आ गए। कहां रहते हैं आप? लक्ष्मण जी होना, लक्ष्मण घर ना होना, ना थोड़ा पर्वती धोया का लिया, थोड़ा पर्वती धोया का लिया, नाम क्या लो? अर्चना, वही अर्चना लक्ष्मी बोलते हैं, हां लक्ष्मी बोलते हैं, मेरा नाम अर्चना देवी। पिस्टल सटा के आपको अंदर ले आया? गेट खोली और गेट पे से घुस गया, पांचों जने हम उस टाइम में डेली घर जाते थे, मेरी मम्मी को कि क्या होने का कौन है। अच्छा फिर उसी को घुस गया उसके मम्मी, मेरा सब सामान सही कर रखा हुआ है, हम बोले भी घर पर ही बोले कि जा और अंदर आके वापस काम से आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब आके मेरे हाथ से मोबाइल छीन के मोबाइल उठा के पटक मोबाइल देखी ना पटक दिया है, और पटक के पीछे वो मेरे को बोला इसको सर टेप लगा, तो सर टेप लगा मेरे मेरे मुंह को सारा टेप बांधा भी। हां हां सर टेप बांधा सर टेप से बांधा, फिर वो बाहर में लंबा वाला जो था हेलमेट लगाया हुआ था वो कुछ बोला इशारा से, इशारा करके बोला पीछे सब निकला, निकल के ये भी रूम में थी, रूम पर लॉक किया, फिर बोला नहीं इसको बाहर निकालो, उसको फिर बाहर निकाला, बाहर निकाल के हमको लॉक कर दिया, कहाँ बंद किया, फिर हम 5-10 मिनट फिर बोले क्या करें क्या करें, फिर हम खिड़की खोल के बगल में आवाज़ देने लगे,
इसको इधर बंद करने लगा हमको चौका आप अकेले रूम में आपको अकेले बंद कर दिया हाँ इसको अकेले हमको अकेले वो लोग कहाँ थे इस रूम में बंद करके डायरेक्ट बाहर क्या किया कैसे लेके गया वो नहीं देखे फिर हमने बताया पहले से पता था जानकारी भी सारी कोई लोग है नहीं जहाँ जहाँ सामान थी बस उसी हमारी पांचों मतलब तीनों चारों करके आए आगे मेरा फोन छीन के फोन करके पटक दिए हाँ अच्छा उसी के द्वारा फोन पटक दिया फोन पटक दिए मेरे से हाँ फोन पर बात कर रही थी वापस से फोन पटक के एक लाख इस पर करके मारे पटक के पीछे हमको बोले कि हम बोले नहीं बोले भैया फोन है क्या चाहिए क्या चाहिए तो बोले इसको पहले सेलो टेप इसका मुँह बंद करो पूरा सेलो टेप निकाल के पहले मेरा मुँह समझा एकदम यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक सेलो टेप जो है आपके घर से लिया कि लेके आए थे सेलो टेप भैया हम देखे भी नहीं लोग लेके आए लेकिन मेरे घर में सामने तो नहीं था ड्रॉवर तो खोले नहीं बोलो सामने लोकर खोल के पर्स में जितना भी सामान था सारा वो निकाल दिया उसमें पीछे उस रूम में लोग गए अलमारी लोग खोल के सारा ही किए हमको बोला अलमारी तोड़ा या चाबी आपने नहीं नहीं उस रूम में चाबी हमसे सारा लिया वो अच्छा चाबी लेके सारा अलमारी खोले हमको बोले चांदी सब जो सामान था मिल गया सारा तो हम आपको दे दिए आपको जब बांध ही दिया गया तो आप यहीं बैठी हुई थी फिर हमको ले गया उठा के ना फिर वो अच्छा फिर बाद में ले गया उठा के ठीक है हाँ दूसरे कमरे में फिर वो मेरे को फिर एक थप्पड़ कस के आके मारा बाल पकड़ के कस के नोच के वो मेरे मारा वो बोले सोना दो निकाल के बोले भैया सोना कहाँ से देंगे हम लोग गरीब आदमी है कमाने खाने वाले हैं तो बोला कपड़ा का धंधा है और गरीब आदमी है वो मेरे को मतलब आठ दस बार वो कस कस के मेरे को पट्टी पर वो मारा बीच बीच में आके मेरे सब हथियार था सबके पास हथियार ठीक है या वो लोग जितने थे एक चीज बताइए सभी नकाबपोश नहीं नकाबपोश कोई नहीं मेरे अंदर भी जो आया सब बिना मास्क पहने बिना मास्क के थे कितना उम्र के सभी लोग उम्र क्या यही था कि 30-35 ठीक है पाँचों के हाथ में हथियार था सभी के हाथ में सब में लोहा का अनुवार था आप सिर्फ दो ही आदमी थे ये लक्ष्मी और आप ये दो ठीक है उसके बाद क्या वो रूम ले गया कितना का माल कैसे क्या ले गया माल लिया कैश उस भी ले गया कैश भी जो था पर्स में था पर्स सारा उठा के ले गया पर्स में कितना कैश था कैश तो कुछ तो अंदाज होगा कैश होगा 10-5 हज़ार का तो कम से कम पर्स में लोग जनरली रखता ही है 5 हज़ार का होगा पर्स क्या आपका पर्स था आपका पर्स था पर्स में जैसे मेरा कुछ रुपया अभी बैंक से मंगाए थे हम कितना 1 लाख रुपया ठीक है पहले से और कुछ भी होगा और खुदरा खाने जो था वो पर्स उठा के लोग जो ले गया थैला था चाहे थैला में चांदी का सामान जो भी था थैला ही उठा के ले गया थैला में क्या था सारा सोना था बक्सा छोटा भी बक्सा थी वो बक्सा वो सब उठा के कितना का जेब रखा होगा लोगों वो लोग बैग लेके आए थे अब उसका उतना अंदाज नहीं रहता एक अनुमान था कि जाना रखा था कुछ भी हमको बोल रही है मैडम लोग बैग लेके आए थे क्या ठीक है ठीक है किस चीज़ में सामान लेके बैग लेके आए थे नहीं बैग लेके नहीं आए थे एक तो चांदी का सामान थैला था वो थैला उठा के ले गया और वो लोग अपना समूचा पॉकेट में घुसा रहे थे सारा अच्छा पॉकेट में सारा घुसा है मतलब जो जो सिक्का उक्का था चांदी का ये वो जो सारा लोग कितनी देर बाद पुलिस को सूचना दी गई हमको सूचना बाजार में मिली हाथी के ऊपर क्या नाम संजीव उनका और भाई हुए मैंने इनका सलाह हुआ जी जी क्या आपने पुलिस को सूचना दी पुलिस को सूचना किसने उसके बाद हम यहाँ आने के बाद फिर थाना प्रभारी को कौन सूचित किया पुलिस को यहाँ से जानकारी कितने देर तक रहा है एक मिनट कितना देर 25-30 मिनट आधा घंटा लगभग पुलिस को यहाँ से सूचना किसने दी अब तिरुपति जी भी आ गए थे वो भी फोन कितने देर में पुलिस आई पहले आपको पुलिस कितने देर में आई मैंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं था अच्छा जो गांव में जाने में समय लगा कि यहां बगल में लोगों को चिल्लाया आवाज दिया उन्होंने मेरे बच्चे को फोन किया मेरा बेटा आया मेरा बेटा क्या नाम है बेटा का नवनी की बेटा तो वो कहां वो अपने ऑफिस में नवनी नवनी की हाँ वो ऑफिस में था अच्छा ऑफिस वो उन्होंने बगल वाले ने फोन किया तो वो आया तब फिर हम लोग का गेट खोला रूम का तब हमने बाहर आया तब फिर भाई लोग को सूचना